दोस्तों स्वागत है आपका नव संडे न्यूज में। हम फिर आपके लिए उपस्थित है अपडेट एवं अलर्ट न्यूज के साथ। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बैंकिंग सेवाओं की। यदि आपका भी बैंक में खाता है तो यह न्यूज आपके लिए बहुत काम की है और एक अलर्ट न्यूज है। सो बैंक खाता धारक ध्यान दें, 1 दिसंबर तक ऐसा न किया तो बंद हो जाएंगे आपकी बैंकिंग सेवाएं। तो क्या है अलर्ट, आइए जानते हैं थोड़ा विस्तार से। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे अपडेट रहे आप देश में तमाम अपडेट एवं अलर्ट खबरों से। दोस्तों बैंक खाता धारकों के लिए यह खबर बेहद जरूरी है। अगर आपने 1 दिसंबर तक ऐसा न किया तो आपकी बैंकिंग सर्विस बंद कर दी जाएगी। तो देर न करें, जल्दी से ये काम निपटा लें। आप भारतीय स्टेट बैंक के खाता धारक हैं और नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो सजग हो जाइए। तुरंत अपने खाते में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा लें, अन्यथा 1 दिसंबर से आप इन सेवाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। SBI ने अपनी वेबसाइट पर यह सूचना जारी कर दी है और वेबसाइट के मुताबिक यह व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश अनुसार की गई है। SBI ने कहा है कि नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करने वाले हर हाल में 30 नवंबर तक अपने मोबाइल नंबर अपडेट करा लें। अगर आपका डेबिट कार्ड बिना चिप वाला है तो इसे भी तुरंत अपने बैंक से बदला लें। आपको बैंक से चिप बेस्ड EMV कार्ड मिलेगा। यह बदलाव आपको 31 दिसंबर से पहले करना होगा। 1 जनवरी से मैग्नेस्ट्रिप डेबिट कार्ड नहीं चल पाएंगे, यानी कि जो चिप वाले कार्ड है वही चलेंगे। और यदि आप नेट बैंकिंग या अन्य सुविधाओं को जिसकी ट्यूब बडी वगैरह इस्तेमाल करते हैं SBI की, तो तुरंत जाकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाएं, नहीं तो आपकी सेवाएं बंद हो जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप नजदीकी शाखा पर जाएं या फिर आप ऑनलाइन भी इसे अपनी जो नेट बैंकिंग साइट है उस पर जाकर जो ऑप्शन दिए हैं उसमें जाकर कर सकते हैं। बेहतर होगा आप अपनी नजदीकी शाखा जाएं और वहां पर इस बारे में बात करें तो बेहतर रहेगा, नहीं तो जो है 1 दिसंबर तक जो है आपकी सेवाएं बंद कर दी जाएगी। यह था आपके लिए अपडेट अलर्ट न्यूज़। अच्छी लगी हो तो शेयर करें अपने व्हाट्सएप फेसबुक पर ताकि सभी लोग जान सके इन बैंकिंग सेवाओं के संबंधित अलर्ट को। तो वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।